हेलो एवरीवन, यूजी पार्ट 3 पेपर 7 और टॉपिक है चीन में ताइपिंग विद्रोह की परंपरा और उसके कारण। चीन में विद्रोह की परंपरा। चीन में विद्रोह की परंपरा पुरानी है। कन्फ्यूशियसवादी दर्शन में इसकी व्यवस्था थी और देवी अधिकारों के सिद्धांत में भी यह आवश्यक था। चीन में सारा राष्ट्र एक परिवार माना जाता था, जिसे राष्ट्रीय परिवार या कुओचिया कहा जाता था। इसका प्रमुख सम्राट होता था, जो नैतिक विधान तथा प्रकृति के मंगलमय समन्वय थियेन का प्रतिनिधित्व करता था। जब तक वह थियेन के आदेशों का पालन करता था और उसी के सिद्धांत के अनुरूप शासन करता था, तब तक जनता उसका आदर करती थी। किंतु जब वह इस पद से विचलित हो जाता था और लोगों की बुराई में लग जाता था, तब उसे हटाना जनता का कर्तव्य हो जाता था। अकाल, बाढ़, तूफान आदि प्रकृति के प्रकोप इस बात के सूचक थे कि थियेन ने सम्राट से अपना मिंग अथवा आज्ञा पत्र वापस ले लिया है। गरीबी, बीमारी, भुखमरी और अव्यवस्था जनता को क्रांति का संदेश देते हुए सम्राट को हटाने के लिए प्रेरित करती थी। इस अवस्था में प्रजा का निश्चित कर्तव्य हो जाता था कि वह सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करे। मंचू युग में चीनी विद्रोह के कुचक्र में पूरी तरह फंस गया। स्मरणीय है कि मंचू लोग चीन के लिए विदेशी थे, किंतु उन्होंने शीघ्र ही चीनी सभ्यता संस्कृति को अपना लिया तथा इसके प्रबल समर्थक और पोषक बन गए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चीनी जनता का जबरदस्त शोषण भी किया। अपने आदमियों को जमीन देने के लिए उन्होंने चीनी किसानों को जबरदस्ती बेदखल करना शुरू किया। भूमि ही नहीं, शहरी जायदाद भी इस तरह जब्त कर मंचू लोगों में बांट दी गई। मंचू युग की सारी समृद्धि चीनी किसानों के शोषण पर टिकी हुई थी। किसानों से तरह तरह के कर वसूले जाते थे। कर वसूल करने वाले पदाधिकारी बड़े भ्रष्ट और लालची होते थे। वे इनसे तरह तरह की भेंट और नजराने बड़ी सख्ती से वसूलते थे। छोटे से बड़े तक सब अधिकारी रिश्वत लेते थे। अक्सर ये लोग अपना नजराना वसूल कर लेते थे और लगान सरकारी छोड़ देते थे। किसानों का कष्ट और असंतोष विद्रोहों के रूप में व्यक्त होता था। खेतीबाड़ी और उद्योग धंधों से वंचित लोग अधिकतर चोरी डकैती को पेशा बना लेते थे। मिंग युग के उपन्यास सुई ह्यू में उत्तर सुंग काल के डाकू सुंग चियांग और उसके 108 साथियों की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथाएं हैं, वे तत्कालीन प्रशासकीय अत्याचार और किसानों के विद्रोह का सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं। इस उपन्यास में राजकीय पदाधिकारियों को शोषक, निकृष्ट, क्षुद्र, पापी, भ्रष्टाचारी और डरपोक के रूप में चित्रित किया गया है, तथा डाकुओं को वीर एवं नेताओं के रूप में। इससे हमें गरीबी, भुखमरी, उत्पीड़न और उसके कारण उभरते हुए विद्रोह के दर्शन होते हैं। केवल इसी पुस्तक ने मंचू काल में अनेक विद्रोहों को प्रेरणा दी। चीन में कई क्रांतिकारी संगठन बने। पाई ल्यान चियाओ नामक संस्था ने बुद्ध के आगमन और मंचुओं के भावी विनाश का प्रचार किया। 1813 ईस्वी में होनान, शांगतुंग और चर्ली प्रांतों में भी इसकी कई शाखाएं जैसे थियेन ली चियाओ, पा कुआची आओ सक्रिय हो गईं और दक्षिण में हुंगमेन, सान हो हुई तथा थियेन ती हुई आदि संस्थाएं उभरने लगीं। प्रथम आंग्ल चीनी युद्ध के पहले दो दशकों में क्वांगसी, सानसी, क्वाउचाओ, कियांगसी, होनान, हुपे और फार्मोसा में जल्दी जल्दी कई विद्रोह हुए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में चीन में जो ताइपिंग विद्रोह हुआ, उसे इन सभी विद्रोहों से प्रेरणा मिली थी। ताइपिंग विद्रोह के कारण। प्रथम आंग्ल चीन युद्ध के बाद चीन के दुर्दिन शुरू हो गए। चीन का द्वार विदेशियों के लिए खुल गया था और वे सब मिलकर चीन के साम्राज्यवादी शोषण की तैयारी कर रहे थे। उधर शोषण, भ्रष्टाचार आदि के कारण चीनी लोगों का जीवन दुभर हो रहा था। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण खाने का प्रश्न विकट हो गया था। अफीम के व्यापार ने
चीन की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। विदेशी सामानों की आपूर्ति से देशी उद्योग धंधे नष्ट हुए जा रहे थे और चीन की और देश की चांदी निकलकर बाहर चली जा रही थी। गरीब चीनियों पर कर का बोझ पहले से अधिक था, लेकिन प्रथम अफीम युद्ध में हारने के बाद चीन ने एक भारी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार कर लिया था। इस रकम को अदा करने के लिए चीन की सरकार ने जनता पर और कई नए कर लगाए। बहुत से किसानों को अपनी जमीनें बंधक रखकर या कर्ज लेकर इन करों को चुकाना पड़ा। कुछ लोगों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी और वे पूरी तरह कंगाल हो गए। उन्हें मजदूरी का सहारा लेना पड़ा। चीनी गरीब जनता ने अपनी इस दुर्दशा के लिए मंचू अधिकारियों को दोषी बतलाया और उनके मन में यह भावना घर कर गई कि जब तक मंचू शासन का अंत नहीं हो जाता, तब तक उनकी दशा में किसी तरह का परिवर्तन असंभव है। चीनी लोग बड़े आत्मभिमानी होते थे और राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कूट कर भरी रहती है। यह आज भी देखने को मिलता है। चीन के लोग अक्सर संसार में अपने को सर्वश्रेष्ठ जाति मानते थे। अपनी सभ्यता के समक्ष वो दूसरों की सभ्यता को हीन मानते थे। इसी कारण वे विदेशियों को चीन में घुसने देना पसंद नहीं करते थे। पर मंचू राजाओं की कमजोरी से विदेशी लोग लाभ उठाकर चीन में धीरे धीरे प्रवेश कर चीनी सभ्यता को भ्रष्ट कर रहे थे। 1839-42 में प्रथम अफीम युद्ध के बाद विदेशियों के हाथ चीन का अपमान बहुत ज्यादा हो गया। युद्ध में चीन को पराजित कर ब्रिटेन ने उस पर एक संधि थोप दी और चीन में कई अनुचित सुविधाएं प्राप्त कर ली। इस संधि के कारण चीन के माथे पर कलंक का टीका लगा और उसका राष्ट्रीय गौरव तथा स्वाभिमान नष्ट हो गया। चीन की जनता विदेशियों की शरारत और बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अत्यंत चिंतित थी। वह भयभीत हो गई थी और सोचने लगी थी कि यदि समय पर यूरोपियों के बलात् प्रवेश को नहीं रोका गया तो चीन तुरंत ही पश्चिमी साम्राज्यवाद के चंगुल में फंस जाएगा। चीन के सभी वर्ग और सभी तबके के लोग इस तरह का अनुभव कर रहे थे, लेकिन वे असहाय थे। मंचू शासन में उतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह विदेशियों का प्रतिरोध कर सके। अतएव देश की गौरव की रक्षा के लिए मंचू शासन का अंत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। ताइपिंग विद्रोह का एक कारण हम इस स्थिति को भी मान सकते हैं। चीन का समाज आर्थिक दुर्दशा और राष्ट्रीय अपमान का केवल अनुभव ही नहीं कर रहा था, वरन देश को उनसे छुटकारा दिलाने के लिए सक्रिय भी था। उसे पूरा विश्वास था कि चीन का प्राचीन गौरव फिर से तभी स्थापित हो सकता है जब भ्रष्ट मंचू शासन का अंत हो जाए, और इसके लिए विद्रोह की आवश्यकता थी। विद्रोह का वातावरण तैयार करने में उस समय की स्थापित गुप्त समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इस तरह के कई संगठन कायम हुए जिन्होंने देश में विद्रोह की भावना भड़काई और लोगों को आर्थिक सुधार तथा राष्ट्रीय गौरव के लिए मर मिटने को प्रेरित किया। उन्होंने इस बात का पूरा प्रचार किया कि मंचू शासन का अंत होना परमावश्यक है और देश में एक ऐसी सरकार की स्थापना करना जरूरी है जो विदेशियों के ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। भूमिहीन कृषकों और मजदूरों को इन गुप्त संगठनों में अपनी ओर आकृष्ट किया और ताइपिंग विद्रोह का व्यवहारिक पृष्ठाधार तैयार हो गया। इसी समय क्वांग तुंग में एक भीषण अकाल पड़ा जो ताइपिंग विद्रोह का तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। 1849 ईस्वी का यह दुर्भिक्ष कई दृष्टियों से भयानक था, जिसके कारण हजारों हजार व्यक्ति मारे गए। ऐसे संकट के समय मंचू शासन के पदाधिकारी भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। उन्होंने अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने का कोई प्रयास नहीं किया। शासन की इस अक्रमण्यता ने सब्र की बांध तोड़ दी और जनता विद्रोह के लिए उतावली हो गई। ताइपिंग विद्रोह का नेता और जनक हुंग सियू चुआन नामक एक व्यक्ति था। 1814 ईस्वी में एक मामूली किसान के घर में, जो कैंटन से 30 मील उत्तर के गांव में स्थित था, उसका जन्म हुआ। युवा हुंग ने स्थानीय परीक्षा तो पास कर ली, परंतु प्रांतीय परीक्षाओं में वह निरंतर असफल होता रहा।
1837 ईस्वी में बीमारी के बाद उसे कुछ सपने आए जिसे इसने दिव्य दर्शन समझा। इस विलक्षण आवास को पूरा करने का अर्थ उसने बाद में कैंटन के एक चीनी धर्म प्रचारक द्वारा दी गई पुस्तिका युग के उद्बोधन के लिए शुभ संदेश शब्द पढ़ने के बाद समझा। अपने आभासों के इस अध्ययन के उपरांत हुई व्याख्या ने उसे एक नए धर्म परिवर्तन की प्रेरणा दी। इस धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध तथा कई अन्य ईसाई धर्म की बातें भी शामिल थी। कैंटन के एक पादरी ईसा कार्ट रॉबर्ट्स के संपर्क में आकर हुंग अपने धर्म में ईसाई धर्म के तत्वों को प्रमुखता दी। अपने प्रांत में कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कर हुंग कुछ साथियों सहित क्वांगसी प्रांत जा पहुंचा, जहां वह अध्ययन और धर्म प्रचार करता और ईश्वरीय आभास पाता रहा। उसके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। केंद्रीय सरकार ने घबराकर इस धर्म पर पाबंदी लगा दी, लेकिन हुंग का कार्यकलाप चलता रहा और उसके अनुयायियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। अब हुंग ने अपने आप को ईसा मसीह का छोटा भाई ऐलान किया और कहा कि भगवान ने उसे मनुष्यों के विनाश के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। उसने घोषणा कर दी कि वह ईश्वरीय सम्राट है और वह एक नए शासन ताइपिंग अर्थात पूर्ण शांति की स्थापना करेगा। इस नारे पर चीन की असंख्य जनता उसके पीछे हो गई। 1850 ईस्वी तक उसके अनुयायियों की संख्या 30,000 हो गई। इस गति विधि ने मंचू शासक के कान खड़े कर दिए और हुंग के आंदोलन को कुचलने के लिए कई तरह की कार्रवाइयां की गईं। इस पर हुंग ने अपनी ओर से सैनिक गतिविधि शुरू कर दी। नवंबर 1850 से फरवरी 1851 के बीच कई जगहों पर हुंग के अनुयायियों तथा शाही फौजों में मुठभेड़ हुई और शाही साम्राज्य ताइपिंग तिएन कुओ की घोषणा की गई। हुंग सियू चुआन इसके दिव्य शासक तिएन वांग के पद पर आसीन हुआ। इसके उपरांत ताइपिंग विद्रोहियों ने अनेक सैनिक सफलताएं प्राप्त की। उनकी सेनाएं क्वांगसी से हुनान में घुस गई। 1852 ईस्वी में उसकी राजधानी चांगशा पर उनका अधिकार हो गया। अब ताइपिंग विद्रोही यांगसी की घाटी में बढ़ने लगे और मार्च में नानकिंग तक पहुंच गए। हुंग ने नानकिंग का नाम बदलकर थिएनचिंग या दिव्य राजधानी रख दिया और वहीं अपनी राजधानी कायम की। शाही सेना धाराशाही थी, किंतु विद्रोहियों का जोर भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और वे यांगसी के उत्तर में कोई प्रगति नहीं कर सके। मई 1853 में उनकी एक सेना उत्तर में चढ़ली की ओर बढ़ी, लेकिन मंगोल घुड़सवारों ने उनका काम तमाम कर दिया। धन्यवाद। सारांश में यह कहा जा सकता है कि ताइपिंग क्रांति ने चीन के समाज की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का वीरा उठाया। संपत्ति के राष्ट्रीयकरण, समाज के समानता परक नियोजन और भूमि के समान वितरण के पीछे एक क्रांतिकारी विचारधारा थी, जिसने गरीब से पीड़ित और परंपरा से त्रस्त साधारण चीनी जनता को आश्चर्यजनक रूप से आकृष्ट किया। उन्हें इस भाईचारे की व्यवस्था में एक नए जीवन की ज्योति नजर आई। इतनी अल्प अवधि में ताइपिंग क्रांति की अप्रत्याशित सफलता का यह एक बहुत बड़ा कारण था। धन्यवाद।